हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अपायस। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और न्यूज़ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज तीन आर्टिकल डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा आर्टिकल है। साथ में इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम देखेंगे जो आज न्यूज़पेपर में आया हुआ था। 25 दिसंबर है और ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू ओवर। जब तक आप लोगों के पास ये वीडियो मिलेगी आपको, एंड बट स्टिल मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल है इकोनॉमिक प्राइस टू पे। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसमें लिखा गया है कि जो सिचुएशन है अभी इंडिया में, ऑब्वियसली बहुत वर्स्ट है। अगर हम बात करें स्लो डाउन के टर्म्स में या इकोनॉमिक टर्म्स में, तो ऐसे में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जिनके पास आइडियाज़ हैं, जो पहले भी यूज़ होता था, उनको एक मौका देने की ज़रूरत है। इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स यही है कि अभी इतना जो इन्वेस्टमेंट कम हो गया या डिमांड कम हो गया, इनकम लोगों के पास नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ऐसे में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है और साथ आने की ज़रूरत है। शुरुआत में तो ऑब्वियसली कहा जा सकता है, कई ऐसे डाटा के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि स्थिति बहुत ख़राब है इंडियन इकोनॉमी की। हालांकि आज के न्यूज़पेपर में ही कुछ ऐसे डाटा हैं जो ये भी दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन अभी तक की बात करें तो बहुत सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स और की वजह से भी कई सारी दिक्कतें सामने आई। और अभी रिसेंट ये जो इतना प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, इसके पीछे जो इकोनॉमी की खराब स्थिति है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो राइटर उसी बात पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति, भले ही आप सिटीजनशिप एक्ट को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हो या अदर इश्यूज को उठा रहे हो, लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो इंडियन इकोनॉमी का ही है कि इकोनॉमी को कैसे ठीक किया जा सकता है। प्रीवियस कुछ डाटा एंड फैक्ट से ये इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये जो स्लो डाउन आप देख रहे हैं इकोनॉमी में, ये अभी जस्ट नहीं आया है, बल्कि 2017 से ही ये एक साइन आपको देखने को मिल रहा था। तब से ही अलार्मिंग सिचुएशन बन रही थी कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। इन शॉर्ट, जब से GST वगैरह आया है इम्प्लीमेंट में, डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके, ये सारी चीज़ें हुई, मतलब सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, तब से सिचुएशन काफ़ी डाउन धीरे धीरे जाने लग गई। 2004 में भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी, नो डाउट। भारत उन इकोनॉमीज़ में पहुंच चुका था जो कि वर्ल्ड की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक था, और स्टिल 3 से 4 जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थे, भारत उनमें से था। लेकिन अभी जब आप 4.5% देख रहे हैं ग्रोथ रेट, तो इसमें तो बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता। और IMF के अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट तैयार किया गया है, तो इंडिया अब टॉप 3 टू 4 में नहीं है जो एक इमर्जिंग कंट्री के तौर पर था। लेकिन अभी हाल ही के रिपोर्ट में हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया टॉप 3 4 में है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। इसके साथ साथ अभी जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट देखा गया, वो भी काफ़ी श्रिंक हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट का कम हो जाना, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो है वो भी डिक्लाइन हुआ है, और इसके बाद ये एक्सपोर्ट, खास करके नॉन ऑयल एक्सपोर्ट, श्रिंक हो गया है। तो ये, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन वो काफ़ी कम हुआ है। तो ये सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो स्लो डाउन को दिखा रहे हैं, उनको शो कर रहे हैं, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है सही मायने में देखा जाए तो। अब यहाँ पर और इससे बड़ा क्या कंसर्न है, मतलब क्या और दिक्कतें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? तो ऑब्वियसली ये डाटा की बात करते हैं। इनका मानना है कि ये सब तो जो माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपने देखा, लेकिन इसके अलावा जिस पैरामीटर पर इकोनॉमी डिपेंड करता है, जो डाटा रेशियो की एक्यूरेसी की वजह से पॉलिसी मेकिंग्स की जाती हैं, अगर उन डाटा को हाइड किया गया या डाटा को रिवील नहीं किया गया, तो उससे कितनी परेशानी हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू जी के समय से जो प्रोसेस चला आ रहा था कि NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता था, उसके बाद इसमें जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है उनका सर्वे होता था हर 5 साल पर, और उसके बाद ओवरऑल इंडिया की स्थिति का पता चलता था, उसके बेसिस पर पॉलिसी मेकिंग होती थी। तो 2011-12 में 68 राउंड इसका आया था, डाटा कलेक्शन का आया था। लेकिन हाल ही में जो डाटा तैयार किया गया है, उसको बाहर नहीं आने दिया गया, रिलीज नहीं होने दिया गया। हालांकि कुछ एक लीक की वजह से आपके सामने कुछ डाटा आए भी, और उसमें यही शो हुआ था कि स्थिति काफ़ी वर्स है, इवन रूरल एरियाज में भी काफ़ी ख़राब सिचुएशन है। इनइक्वलिटी भी हमें देखने को मिली, इसके लिए एक रिपोर्ट भी है बहुत इंपॉर्टेंट,
क्रेडिट स्विस रिपोर्ट, और उसमें ये रिसेंट डाटा में बताया गया था कि जो पूरा वेल्थ है भारत का, उसमें सिर्फ 1% लोग हैं जो कि रिचेस्ट हैं इंडिया में, ठीक है। दे ओन द 53% ऑफ ऑल वेल्थ ऑफ द कंट्री। 1% लोगों के पास भारत का 53%, मतलब आधे से भी अधिक धन है, और बाकी का जो आप समझ लीजिए, बाकी का जो रेस्ट बच गया 47%, उसमें पूरी कंट्री है, 99% लोग आते हैं। ये 2018 के डाटा में शो हो रहा है, मतलब इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है भारत में इस वक्त। उसके बाद पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भी अगर आप जानना चाहें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ सालों में ये रेट बढ़ा है, ठीक है। तो ये एक तो इनइक्वलिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, ये सभी चीज़ें एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर रही हैं, किसमें, रिच और पुअर में। पुअर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रहा, और इससे रूरल एरिया में बहुत दिक्कत आ गई है। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द टाइम व्हेन योर इकोनॉमी इज़ गोइंग डाउन, व्हेन देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट, व्हेन द रिपोर्ट्स एंड डाटाज आर शोइंग की देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स, देयर आर वेरियस इनइक्वालिटीज, देन व्हाट वी शुड डू एट द टाइम, व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम। तो इसमें आर्टिकल का मानना है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोचने की ज़रूरत है। अभी सारा का सारा जो एज है वो पॉलिसी मेकर्स के पास है। देखिए, कई सारे आर्टिकल हमने इस पर डिस्कस किए हैं, और अगर आप ध्यान से सोचें तो इसमें जो पॉलिसी मेकिंग्स होती हैं और उसमें लगातार ये जो बदलाव किया है सरकार ने, कभी ये पॉलिसी, फिर उसको बदल करके दूसरी वाली पॉलिसी, फिर टैक्स को बढ़ा देना, फिर टैक्स को कम कर देना, फिर कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देना, इससे एक के बाद एक जो पॉलिसी चेंजेस हुए हैं इंडिया में उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है, और इससे भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका उनका ट्रस्ट कम हो गया है, और ये माना जा रहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत बड़ा कारण है करंट डेट में भारत में। लोग अगर पैसा लगाएं, लोग अगर इन्वेस्ट करें तो किस बेसिस पर इन्वेस्ट करें, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ट्रस्ट को डेवलप करने की मार्केट में, ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों, पॉलिसी मेकिंग्स अच्छे से किए जाएं, और जो भी खामियां हैं अभी तक की इकोनॉमी में जो लोगों ने देखा है, हालांकि कई आर्टिकल में हमने ये भी देखा कि कहा जा रहा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की वजह से समस्याएं आई थी वो धीरे धीरे अब कम हो जाएगी। 2020 में सभी के पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि आईबीसी में जो अमेंडमेंट हुआ उसके उसके क्या उससे क्या फ़र्क पड़ा है। आज के इवन न्यूज़पेपर में भी आपने इकोनॉमी के पेज पर देखा होगा कि काफ़ी रिकवरी हुई है आईबीसी के आने के बाद, लेकिन यहाँ पर भी वही अर्ज हो रहा है कि रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाए, और ये मनरेगा के तहत लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाए, पैसे दिए जाए, ये सब। और इसमें फिस्कल और मॉनिटरी पॉलिसी दोनों का एक बेटर, एक एक अच्छा तालमेल बहुत ज़रूरी है। फिस्कल पॉलिसीज़ कौन, जो सरकार लेकर के आएगी, मॉनिटरी पॉलिसी जो आरबीआई लेकर के आ सकती है। तो राइट नाउ व्हाट इज़ द नीड, यहाँ पर अभी हमें पैसे की नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट आइडियाज़ की ज़रूरत है, एक अच्छे पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर जब हम पॉलिसी अच्छे बनाएंगे, इंटेलिजेंट पॉलिसी डिज़ाइन करेंगे, तो मनी ऑटोमेटिकली आपकी कंट्री में आना शुरू हो जाएगा, फ्लो फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो दिस इज़ द एक्चुअल नीड ऑफ द टाइम, और जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कम हुए हैं उसको फिर से रिवाइव इसके थ्रू किया जा सकता है। तो ये सारी बातें इस पूरे आर्टिकल में कही गई, और इन शॉर्ट यही कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनाए जाए वो बहुत अच्छे से बनाए जाने चाहिए, और उस पर ज़्यादा इम्फेसिस करने की ज़रूरत है। जो हमारा एक ब्रिलियंट माइंड हमारी कंट्री में है, उनको उनको सुना जाए, उनको मौका दिया जाए, इकोनॉमिक पॉलिसी डिज़ाइन करने के लिए लोगों को मौके दिए जाएं, और उसको गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो एक कोऑपरेटिव स्पिरिट से जब काम करेंगे पूरे नेशन में, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी की स्थिति धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएगी। इस पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, ट्राई करना है, डिस्कस द इंडिकेटर्स विच प्रूफ द इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन इज बीइंग वर्स। तो आज दो तीन इंडिकेटर्स तो अभी हमने यहीं पर देख लिया है, उसके अलावा आपके पास जो भी और प्रीवियस डाटा हो उसको आप लिख सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ द पीपल आर निगेटिवली इम्पैक्ट बाय द फिनोमिना, इसमें आप सेक्टर्स की बात कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर दिक्कतें आई हैं, कहाँ कहाँ पर वर्स इफेक्ट हुआ है इसका। व्हाट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन मेजर्स शुड बी टेकन टू हैंडल दिस कंडीशन। तो कुछ तो हमने देखा है इसमें कि एक इंटेलिजेंट आइडियाज़ की ज़रूरत है, इसके अलावा
जो रूल लॉज बने हुए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, आईबीसी को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, और इस तरीके के कई जो आपने और न्यूज़ पढ़े हुए हैं उसकी ज़रूरत है। यहाँ पे उसको आप लिख सकते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जाए, टेलीकॉम सेक्टर को सुधारा जाए, ये सब एक एक करके सारे पॉइंट्स को वहाँ पर लिख सकते हैं। आगे भी और आर्टिकल हैं, पहले हम ये कोचिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। बार बार बता रही हूँ आपको यहाँ पर कि एक डिस्काउंट ऑफर आया हुआ है फुल कोर्स में एज वेल एज पर्सनल गाइडेंस के कोर्स में भी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे लोगों के लिए जो कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस को। तो आप ज़रूर इसमें अप्रोच कीजिए, ये बहुत दिन तक नहीं है समय, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मुखर्जी नगर में कोचिंग बंद है और ये वो, ऐसी अभी फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोग्राम के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, 8750069419 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल करके जिन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि अगर आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा। और सही मायने में बहुत ही बेहतर प्रोग्राम है जिसमें आपको इंडिविजुअल हेल्प किया जाता है और साथ में आपको एक ग्रुप भी दिया जाता है, तो आपके मेंटर आपसे इंडिविजुअली भी मिलते हैं और आपको ग्रुप में भी रखते हैं, तो दो लेवल पर आपका काम होता है और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी स्ट्रीमलाइन हो जाती है इन शॉर्ट अगर ऐसे कहें तो। चलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी फ़ोन पर मिल जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है पेगासस मोमेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा आर्टिकल है, सर्वेलेंस सिस्टम पर पूरी चीज़ों को लिखा गया है और कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में जो न्यूज़ आई थी कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनके डाटाज वगैरह को चेक किया जा रहा है और एक स्पाइवेयर के द्वारा उनको टारगेट किया गया है, उसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बार बार ये क्लियर किया है कि वेदर एनी इंडियन एजेंसी हैज़ कमीशन्ड द अटैक वेक्टर पेगासस। तो आपसे पूछा सकता है कि पेगासस क्या है, ये न्यूज़ में था, ये प्रिलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? तो एक मालवेयर स्पाइवेयर, ये आप याद रखिएगा, और इसी पर आर्टिकल लिखा गया कि सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए, मतलब स्टेट के पास कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। बात यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की जा रही है कि आईटी एक्ट के तहत स्टेट को, सरकार को कितना अधिकार दिया गया है, ठीक है? तो उस पर हम पहले बात करेंगे। देखिए, एनएसओ मेंटेन्स दैट इट ओनली सेल्स सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर टू स्टेट एजेंसीज, एंड सेकेंड, सम ऑफ द नोन इंडियन टारगेट्स ऑफ द वल्नरेबिलिटी आर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। तो वो जो न्यूज़ है उससे जुड़ा हुआ ये दोनों चीज़ें हैं कि उसमें ये क्लियर किया गया कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को टारगेट किया गया था इसके द्वारा। और आगे जब हम आईटी एक्ट की बात करते हैं तो आईटी एक्ट में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सेक्शन 69 जो है आईटी एक्ट का, द गवर्नमेंट डराइव सम ऑफ इट्स पावर, गवर्नमेंट को जो पावर मिलता है वो इसी एक्ट से मिलता है। सेक्शन 69 याद रखिएगा, आईटी एक्ट का जो सेक्शन 69 है वो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर सकते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जो कि संदेह में हो, अगर वो कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहा है जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है या कोई उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ाने वाला काम है, तो वहाँ पर स्टेट इसके लिए सर्वेलेंस कर सकता है। इस चीज़ को डिफाइन किया गया है इस एक्ट में, लेकिन इसमें भी ये भी पूरी तरीके से स्टेट को नहीं दिया गया है, इसमें भी लिमिटेशंस होते हैं कि मॉनिटरिंग किस लेवल पर और कितनी होनी चाहिए, इसमें वो सारी बातों का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है प्राइवेसी वर्डिक्ट पर, सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि आप स्टेट जो है वो उतने ही लेवल पर इंटरफेरेंस कर सकता है जितना कि उनको अधिकार दिया गया है, किसी की भी प्राइवेसी को साइड रख करके स्टेट सर्वेलेंस नहीं कर सकता है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है, दिस प्रोविजन नेमली सेक्शन 43 एंड 66 डू नॉट कार्व आउट एन एक्सेप्शन फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि आप लोगों की प्राइवेसी के स्टेक पर उनको सर्वेलेंस में नहीं ला सकते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। एज सम ऑफ द एजेंसीज ऑथराइज टू कंडक्ट सर्वेलेंस, कुछ जैसे कि जो आईबी वगैरह होते हैं वो सर्वेलेंस कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, डू नॉट हैव स्टेटरी बैकिंग, सर्वेलेंस बाय देम इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सर्वेलेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में के तहत रहते हुए अगर आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए किसी की डिवाइस को आप ऐसे ही हैक नहीं कर सकते, ये चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। एंड द यूज ऑफ स्पाइवर गिव्स द स्टेट एक्सेस टू द प्राइवेट कॉन्वर्सेशन,
अब ये जो स्पाइवेयर का इस्तेमाल होता है, इसमें स्टेट कई बार इसको हैक करती है, ठीक है, और जो कम्युनिकेशंस वगैरह होते हैं उनको सुनती भी है। अगर कहीं पर कोई प्लानिंग हो रही है, कोई आर्म अटैक की प्लानिंग हो रही है कुछ इस तरीके की, उनको लगता है कि कोई इनपुट आता है, तो वो उसके लिए फिर सर्विलेंस करती है और कन्वर्सेशन वगैरह को सुन भी सकती है। तो ये सब उनके पास अथॉरिटी होती है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट द यूज़ ऑफ ब्रॉड सर्वेलेंस विदाउट एनी एविडेंस और एंटीसेकिन, जो करंट अभी इवेंट देखा गया है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वगैरह को टारगेट किया गया, तो इसमें अभी आर्टिकल में कहा जा रहा है कि ये एक वल्नरेबल सिचुएशन को क्रिएट करता है कि इंडिया में जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसका कितना क्या मिसयूज हो सकता है, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है इन डिवाइसेस का। तो इट इज़ द राइट टाइम जब हमें लीगल फ्रेमवर्क को दोबारा से रिविजिट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमने कितने अधिकार दिए हुए हैं स्टेट को और वो कितना सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टेट एजेंसीज जो हैं उनको डिसमेंटल करना कितना क्रुशियल है, या फिर उनका जो सर्विलेंस ऑपरेशन होता है या उनको जो स्टेटरी बैकिंग दी गई है उनको फिर से एक बार चेक किया जाए। इट इज़ द राइट टाइम टू चेक ऑल दीज एक्टिविटीज एंड लॉ प्रोसीजर और द फ्रेमवर्क। तो यही आर्टिकल में कहा गया। अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट है, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, श्री कृष्णा कमेटी, याद रखिएगा, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी, जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर। डाटा प्रोटेक्शन बिल भी लाया गया है अभी, इस पर हमने डिस्कशन भी किया था कौन कौन से अधिकार दिए गए उसमें। और अब आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इट इज़ द राइट टाइम फॉर द पार्लियामेंट, जो लोगों की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए गारंटी इस बिल के माध्यम से लेकर के आए। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है मॉरल एंड प्रैग्मेटिक इंक्लूजन, और ये आर्टिकल सिटीजनशिप एक्ट पर है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। रिविजन करते हैं सारे पॉइंट्स को, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमने पहले पढ़े हुए हैं, बट इसके बाद जो न्यूज़ आएगा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाले हैं। तो इस आर्टिकल में जो रिविजन का पॉइंट है उसको फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस आर्टिकल में पॉजिटिव बातें कही गई हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि आखिर क्यों भारत ने इस सिटीजनशिप को दिया है माइनॉरिटीज़ को और परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ फ्रॉम द थ्री कंट्रीज अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, बट नॉट इन अ प्रेजेंट वे। ये भी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि अभी जो गवर्नमेंट है वो गलत नहीं कर रही है, लेकिन पहले के समय में माइनॉरिटीज के साथ बहुत गलत हुआ है और इस वजह से यहाँ पर सिटीजनशिप दिया जा रहा है उनको, ये क्लियर कर दिया है। तो ये आर्टिकल का मानना है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, भारत में पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है जब ज्यूज को पारसीज को ये अधिकार यहाँ पर रहने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद जिस जिस जगह पे इस्लाम का बर्थ प्लेस है वहाँ से अलग हट करके अगर कहीं पर पहली बार मॉस्क बनाया गया था तो वो भारत है। तो यहाँ पर हमेशा से हर धर्म को हर कस्टम के लोगों को को शेल्टर दिया गया है और उनको एक्सेप्ट किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से, बैलेंसिंग वे में, और यही उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन आप इसको मान सकते हैं। हाँ, बात रही नॉर्थ ईस्ट के रीजन में लोगों को प्रोटेक्ट करने की, तो इस एक्ट में बहुत अच्छे से उनको प्रोटेक्ट किया गया है। फैक्ट्स आपको याद होंगे कैसे किया गया, इनर लाइन परमिट के थ्रू किया गया है, फिर शेड्यूल एरियाज जो हैं वहाँ पर जो ऑटोनमस रीजन्स हैं उनको इस एक्ट से बाहर रखा गया है। तो इस आर्टिकल में नॉर्थ ईस्ट के रीजन के जो लोग हैं जिनको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना था, जिनको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी, उनके उनके चीज़ों को ध्यान में रखा गया है और उनको इससे बाहर रखा गया है। और इसके अलावा ये जो एक्ट है वो 2016 में ही आ जाता, क्योंकि उस समय जो कमेटी बनाई गई थी उसने इसका फिर एग्जामिन किया था, 30 मेंबर की कमेटी को बना करके इसको पूरा एग्जामिन किया गया है और इसकी लीगैलिटीज को चेक किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज को चेक किया गया है। अब इसमें जो अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं उसमें अंतर क्या आया है कि पहले 11 साल लोगों को लगता था सिटीजनशिप देने में, अब इसको घटा करके 5 साल में सिटीजनशिप दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा किसी से सिटीजनशिप लिया नहीं जा रहा है, कि बस इसमें क्या है कि जो लोग ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज वहाँ से आ रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से, उनको 11 साल की जगह पर 5 साल में ये सिटीजनशिप का अधिकार दे दिया जाएगा, और अदरवाइज दूसरे जो लोग हैं उनको भी दिया जाएगा, लेकिन वो अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। तो फिर वही चीज़ें हैं कि इनर लाइन परमिट से बाकी स्टेट को प्रोटेक्ट किया गया है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असमीज कल्चर को भी प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, उनके जो फेथ हैं, उनका जो राइट है उनके लैंड पर, एम्प्लॉयमेंट पर,
उन सभी को सेफ रखने की पूरी पूरी कोशिश इसमें की गई है। जिस तरीके से जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने इनर लाइन परमिट बना करके वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, और उसी मैनर में बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से भारत सरकार भी इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, ये आर्टिकल का मानना है। और जैसा कि भारत में हिस्टोरिकल ये एक एक्शन रहा है, वैसे फिर से ये लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और ये बहुत कम होता है जब किसी दूसरे कंट्री के लोगों को इतने बड़े लेवल पर मेडिकल केयर दिया जाए, शेल्टर दिया जाए, और वो भी अनलिमिटेड पीपल को। तो कोई कंट्री ऐसा नहीं करता, बट भारत ऐसा कर रहा है, तो ये अपने आप में बहुत सराहनीय बात है। हाँ, ये अलग बात है कि हमेशा कहा जाता है कि आप अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, अपने लोगों को सपोर्ट कीजिए एक्सक्लूसिवली जो वहाँ के हैं, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, जब इन कंट्रीज़ में रह रहे जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं उनको इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो अपने रिलीजन को, अपने अपने धर्म को परस्यू करना चाहते हैं, तो इसीलिए इनको इंडिया में सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर एक जो इनका कल्चर है, इनके प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखते हुए इनको सपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए ऑब्वियसली हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए इसका। और इसके एम को समझना चाहिए कि इंडिया कुछ और नहीं बल्कि अपने कल्चर और लॉज को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इंडिया का कल्चर और लॉ कैसा है, सर्वधर्म संभाव का है, कि हर किसी को यहाँ पर पनाह देना, हर किसी को जगह देना, हर धर्म के लोगों को यहाँ पर अपनाना, और जो ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं, रिफ्यूजी हैं, जिनको परेशान किया जा रहा है दूसरी जगह पर, उनको अपने यहाँ पर जगह देना। तो बस इंडिया अपने उसी कल्चर और लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ये आर्टिकल का मानना है। पॉजिटिव नोट में आर्टिकल को लिखा गया है, तो निगेटिव तो कई सारे फैक्ट्स आपके पास आ गए होंगे, अब कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स भी हैं, उसको आप इकट्ठा करते जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज का, वो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर जो अभी सेंसस हुआ था टाइगर काउंटिंग को लेकर के, उसी पर ये बात की गई है और उसी पर ये न्यूज़ आई हुई है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टेटरी बॉडी है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, NTCA याद रखिएगा, वही इस पॉपुलेशन को मॉनिटर करती है और चेक करती है कि कितने नंबर ऑफ टाइगर हैं भारत में। तो उसको जब चेक किया गया था तो इस पे विवाद हो गया था, ऐसा माना जा रहा था कि जो डाटा आया है वो गलत डाटा है, क्योंकि अचानक से बहुत सारे नंबर में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन जब पेपर इमेज से चेक किया गया तो ऐसा माना गया कि एक ही इमेज को बार बार दिखाया गया है और इसलिए इस डाटा में फ्लॉ है, ऐसा माना जा रहा था। तो अभी वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये कोशिश कर रही है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, की जो फ्लॉ है डाटा में उसको कम किया जाए, टाइगर सेल को दोबारा से चेक किया जा रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और जो साइंटिफिक प्रोसेस अपनाया जाता है काउंट में, उसको चेक किया जा रहा है। अगला न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड स्कीम को, कॉल्ड अटल जल स्कीम, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल जल स्कीम वर्ल्ड बैंक इसमें फंड कर रही है, ये पॉइंट आपको नहीं भूलना है। अटल भूजल योजना, अटल जल के भी नाम से जाना जाता है, और एम्स टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो ये न्यूज़ तो पहले भी सुना होगा आपने, 1-2 साल पहले से न्यूज़ आती जा रही है, बट अब इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है, भूजल ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट को ठीक करना, 7 स्टेट में इसको लॉन्च किया जाएगा। द स्टेट्स आर, कौन कौन से स्टेट है वो, दीज आर गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 7 राज्यों में ग्राउंड वाटर के लेवल को ठीक किया जाएगा। इस स्कीम में 6,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है एंड 3,000 करोड़ विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो 50% जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो किसका रहेगा, वर्ल्ड बैंक का रहेगा, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसमें 8,350 ग्राम पंचायत आ जाएंगे। उसके बाद इससे अलग एक और इसी में न्यूज़ है कि एक और को अप्रूवल मिला है प्लानिंग को, विच इज़ स्ट्रेटेजिक टनल, रोहतांग पास में जो एक टनल बन रहा है स्ट्रेटेजिक टनल, उसको भी अप्रूवल मिल गया है और उसका नाम वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ही इसका भी नाम रखा जाएगा, जो रोहतांग पास में टनल बनाया जा रहा है। टनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो भी ये
खराब वेदर होता है उसमें कनेक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए 8.8 किलोमीटर का टनल होगा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल, याद रखिएगा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल होगा, वाजपेयी जी के नाम पे रखा जाएगा। एल्टीट्यूड कितना है? 3,000 मीटर का। ये डिस्टेंस को कम करेगा, कहाँ से? मनाली से लेह तक के डिस्टेंस को कम करेगा, 46 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है उसको वो कम करेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मनाली से लेह के डिस्टेंस को कम करेगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इन अनदर डिसीजन कैबिनेट अप्रूव द प्रोमल्गेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, तो ये ऑर्डिनेंस सरकार ने करके आ रही है आईबीसी के ऊपर, इसमें जो बदलाव किए गए हैं, रिमूव सर्टेन एम्बिगिटीज, जो कुछ एम्बिगिटीज बचे थे 2016 वाले में, उस सबको खत्म करके एक नया लाया जा रहा है अप्रूवल। उसके बाद एक और अप्रूवल दिया है सरकार ने, वो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 को, BEFR को, अमेंड विल एक्सटेंड BEFR टू द स्टेट ऑफ मणिपुर टू गिव इट्स इंडिजीनियस पीपल प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो वो जो बात हुई थी इनर लाइन परमिट वाली, तो इसी से इनर लाइन परमिट, अभी हमने आर्टिकल में भी इसको देखा था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, तो उसी के तहत मणिपुर को भी इसमें शामिल कर दिया गया, इसको एक्सटेंड कर दिया गया मणिपुर तक। ठीक है, तो पहले 3 राज्य में ILP था, अब इसके बाद ये 4 राज्य में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, कैबिनेट नोट मिल चुका है महाराष्ट्र का, एक सब्सिडाइज्ड मील स्कीम है, नाम है शिव भोजन, तो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है शिव भोजन किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र में जो मील स्कीम होता है, मिड डे मील स्कीम होता है, उसमें सब्सिडाइज्ड स्कीम प्रपोज किया गया, उसका नाम है शिव भोजन, जिसमें कि राइस दाल ये सब वेजिटेबल्स दिए जाएंगे बच्चों को। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज है, आपको ध्यान रखना है। अगला न्यूज है FATF के द्वारा फरवरी तक ब्लैक लिस्ट करने का जो एक एक वार्निंग है पाकिस्तान को, IMF के द्वारा क्लियर किया गया है कि इसके बाद पाकिस्तान को जो कैपिटल इनफ्लो होता है, पैसे दिए जाते हैं, वो रुक जाएंगे और ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो FATF जो कि एक ग्लोबल वॉच डॉग है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकता है, उसने अभी ग्रे लिस्ट में रखा है पाकिस्तान को और फरवरी तक का टाइम दिया है कि आप अगर अपने यहाँ पर चीज़ों को ठीक नहीं करते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो FATF के बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया है, आप याद ज़रूर रखिएगा इसके बारे में। और आज जो एक्सप्लेन्ड पेज पर अगला न्यूज इकोनॉमी के पेज से, विच इज इम्पॉर्टेंट, इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर के इम्प्रूव होने का ये न्यूज है, ICRA ने क्लियर किया है कि 2020 तक जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं ये इम्प्रूव करेंगी और ये एक पॉजिटिव न्यूज है। तो यहाँ पर कुछ रिस्क भी हैं कि अगर लैंड एक्विजिशन और इन चीज़ों को जल्दी से इन इश्यूज को खत्म नहीं किया गया तो एक की रिस्क इम्पोज हो सकता है, तो उसको जल्दी से खत्म करने की ज़रूरत है, और बाकी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी, अच्छे आसार देखने को मिल रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। और आज जो एक्सप्लेन्ड पर न्यूज़ आई हुए NPA के बारे में, उसका वीडियो आपको अलग से कल मिलेगा, ठीक है, फॉर श्योर कल उस पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो एक्सप्लेन पेज पर NPA का जिक्र हुआ है, तो बहुत ही डिटेल में हम उसको कल देख लेंगे, आज लेट हो रहा था, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें आज का जो क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, किसी भी जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कल के कमेंट में भी आपने देखा होगा, तो वो वहाँ पर गिवन है। थैंक यू।